भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 4-2 से हराया। फुल टाइम तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट खेला गया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से एक के बाद एक 4 दनदनाते हुए गोल दागे गए और ग्रेट ब्रिटेन की टीम काफी पीछे रह गई। भारत ने मुकाबला 4-2 से अपने नाम किया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 6 अगस्त को जर्मनी से होने वाला है, लेकिन इस निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय हॉकी टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के स्टार डिफेंडर अमित रोहिदास पर एक मैच का बैन लगा दिया गया है। ये मैच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH ने अमित पर लगाया है। इस पर हॉकी इंडिया का रिएक्शन भी सामने आया है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। ये पूरा मामला क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान का है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया था और इस मैच के 17वें मिनट में अमित को रेड कार्ड मिला। इसी कार्ड के चलते उन पर FIH ने बैन भी लगाया है। आपको बता दें, ये कार्ड वाला मामला काफी विवादित बनता जा रहा है, जिसकी हॉकी इंडिया ने भी शिकायत दर्ज की है। मैच के 17वें मिनट के दौरान अमित की स्टिक ब्रिटेन के प्लेयर विल केलकन के चेहरे पर लगी थी। ऐसे में जर्मनी के वीडियो अंपायर का ऐसा मानना था कि अमित ने जानबूझकर ऐसा किया। बाद में फील्ड अंपायर ने वीडियो अंपायर की सलाह पर अमित को रेड कार्ड थमा दिया। भारतीय खिलाड़ियों का मानना था कि अमित ने जानबूझकर ये गलती नहीं की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह बार बार फील्ड अंपायर से ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अमित की कोई गलती नहीं है। हरमनप्रीत को गुस्से में भी देखा गया। पूरी भारतीय हॉकी टीम, हरमनप्रीत के अलावा पूरी भारतीय हॉकी टीम फील्ड अंपायर को यही समझा रही थी कि अमित की इस मामले में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फील्ड अंपायर अपनी बात पर डटे रहे और अमित को रेड कार्ड थमा दिया, जिसके बाद अमित मैदान से बाहर हो गए, पूरे मैच से बाहर रहे और बाकी के 43 मिनट भारतीय टीम केवल 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर नजर आई। हालांकि 10 खिलाड़ियों के दम पर भी भारत ने ब्रिटेन को कड़ा चैलेंज दिया और अंत में मुकाबला 4-2 से जीतकर अपने नाम कर लिया। हालांकि अमित रोहिदास के ऊपर बैन लग चुका है, यानी कि वो सेमीफाइनल मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जो कि वाकई में भारतीय हॉकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अमित एक कमाल के डिफेंडर प्लेयर हैं और ऐसे में उनका डिफेंस कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक माइनस पॉइंट साबित हो सकता है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो वाकई में टीम इंडिया के लिए एक माइनस पॉइंट रहेगा। हालांकि उनके खिलाफ FIH ने जो बैन लगाया है, हॉकी इंडिया ने उसकी अपील की है और माना जा रहा है कि FIH इस अपील पर सोमवार को सुनवाई करेगा और बाद में अपना जवाब दाखिल करेगा। 6 अगस्त को भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जर्मनी से मुकाबला होना है। ऐसे में टीम इंडिया को अमित की कमी साफ तौर पर खलने वाली है। वैसे अभी तक कुछ भी कह लीजिए, इस पूरे हॉकी में अभी तक पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, उसके बाद अर्जेंटीना के साथ जो मुकाबला खेला गया वो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। फिर भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। हालांकि बेल्जियम के खिलाफ टीम इंडिया को 2-1 से मिली हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने पलटवार किया और ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से करारी शिकस्त पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओलंपिक की हिस्ट्री में 50 साल के बाद भारत ने कोई मुकाबला जीता। उसके बाद फिर क्या था, भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच में पेनल्टी शूटआउट के जरिए ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया। अब भारतीय टीम गोल्ड मेडल से केवल 2 कदम दूर है। भारत अगर सेमीफाइनल मैच जीत लेगा तो फाइनल के लिए अपना स्थान रिजर्व कर लेगा और सिल्वर मेडल भारत के लिए कंफर्म हो जाएगा। वैसे अमित रोहिदास के ऊपर जो बैन लगाया गया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और क्या भारत जर्मनी को हराकर फाइनल का टिकट कटाने वाला है, इस पर भी अपनी रिएक्शन जरूर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।